औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में सन 1780 से सन 1850 के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तन को क्रांति का दर्जा इस कारण दिया गया था क्योंकि इससे कुछ ही दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और समाज में बुनियादी अंतर आ गए। मनुष्य के उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिससे उसके जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आया। इस क्रांति का ब्रिटेन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। बाद में जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकों से गहराई से जुड़ा है। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग समृद्ध हो गए पर इसके प्रारंभिक दौर में लाखों लोगों को खराब एवं बदतर परिस्थितियों में काम करना पड़ा। इनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। इसके कारण विरोध भड़क उठा और सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन शुरू हो गए। फलस्वरूप सरकार को श्रमिकों के काम की परिस्थितियों के निर्धारण के लिए कानून बनाने पड़े। आरंभिक औद्योगिकरण। दरअसल इंग्लैंड, यूरोप और भारत में 17वीं और 18वीं सदी में कारखानों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, लेकिन यह उत्पादन कारखानों में नहीं होता था। इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आरंभिक औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। देश विदेश में बढ़ते व्यापार को देखते हुए शहरों में रहने वाले सौदागर कपड़े, लोहे के औजार आदि चीज़ों का उत्पादन बढ़ाने में जुट गए। वे गांव के किसानों और कारीगरों को अग्रिम पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। वे कारीगरों को विवश करते थे कि वे निश्चित समय पर माल तैयार करके उन्हें ही बेचें। सौदागर शहरों में रहते थे लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। यह आरंभिक औद्योगिक व्यवस्था व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय कारीगरों के घरों में होता था। हर सौदागर के अधीन सैकड़ों मजदूर काम करते थे। इस तरह बहुत बड़ी संख्या में लोग औद्योगिक उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पैसों के लेन देन के ताने बाने से जुड़ गए।